चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का सी बी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्ट्रा हेड्रल स्प्लिटिंग तो आइए देखते हैं ऑक्ट्राइड्रल स्प्लिटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की जिनका कन्फिग्रेशन D1, D2 और D3 हो तो यहाँ पर D1 का एनर्जी लेवल दिया गया है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मेटल को लीगेंट्स चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसका डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो इनक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन है और ई जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ये एनर्जी लेवल हैं डी टू कंट्रीगेशन के लिए जब स्प्लिटिंग होगी तो टी टू जी में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ई जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ये डी ऑर्बिटल्स हैं डी थ्री कंट्रिगेशन के लिए जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो टी टू जी में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे और ई जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहां पर तीनों ही इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे तो हमने देखा कि d1, d2 और d3 थ्री में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो Eg में नहीं थे सभी इलेक्ट्रॉन्स T2g में थे इसको हम अफवाह प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी d1 और d2 और d3 में इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को ही ऑक्यूपाई करेंगे और हम जानते हैं कि ऑक्टा हेडल के केस में टी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है जबकि ई जी हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है चलिए अब बात करते हैं डी फोर कन्फिग्रेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस की यहां पर टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि मेटल के डी ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन थे जब मेटल चारों तरफ से लिगेंड से सराउंड हो गया तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी राइज हो गई जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ तो हम देख सकते हैं कि टी टू जी में तीन इलेक्ट्रॉन है और तीनों अनपेड हैं, जबकि ई में एक इलेक्ट्रॉन है अब यहां पर एक दूसरा केस ले लेते हैं फिर से हमारे पास यहां पे मेटल का है। जब यह स्प्लिट हुआ तो हमने देखा कि इस बार टी में चारों इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ई में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और टी के इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं जबकि दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो आफ्टर स्प्लिटिंग D4 में दोनों केसेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले केस में T2G में तीन इलेक्ट्रॉन और EG में एक इलेक्ट्रॉन और सभी इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं जबकि सेकेंड केस में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन T2G में हैं EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और T2G के चारों इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन पेड हैं जबकि दो इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली एनर्जी सेपरेशन होता है बिटवीन 2g एंड ई जी के और एक और एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिंग एनर्जी और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं पेरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक सिंगल ऑर्बिटल में पेयर करने के लिए जरूरी होती है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी जब वहाँ पर एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी अगर एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं है तब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी चलिए अब बात करते हैं वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तो अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो क्रिएट करते हैं लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑन दी अदर हैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो क्रिएट करते हैं मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो इनके लिए जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है वो पेरिंग एनर्जी से कम होती है और इसीलिए इस केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं इजी ऑर्बिटल में ऑन दी अदर हैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू पेरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाते हैं और टी में ही रह जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टी टू जी में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है और ई जी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है ऑन दी अदर हैंड इस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए टी टू जी में चार इलेक्ट्रॉन रह गए हैं क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं और ई जी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है तो पहले वाले केस में जिसमें ई जी में इलेक्ट्रॉन गया है हमको मिलेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑन दी अदर हैंड दूसरा केस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है वहां हमें मिलेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स